हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंकित प्रजापति, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, ट्रेडर एंड ट्रेनर। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, आप कहीं पे भी कोर्स करके ट्रेडिंग को शुरू करते हैं या फिर किसी से सुनने के बाद करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप ट्रेडिंग करें या फिर कोई भी बिजनेस करें तो उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। और यूजुअली होता भी ऐसे ही है, अगर कोई बंदा छोटे से छोटा काम भी स्टार्ट करता है, सपोज कीजिए अगर कोई कोई रेडी भी लगाता है, तो उसका उसे अपना फंडामेंटल मालूम होता है, उसके बेसिक्स मालूम होते हैं कि वो कहाँ से माल लाएगा, किस तरीके से बेचेगा, किस तरीके से सप्लाई होगी, कैसे प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? देखिए, स्टॉक मार्केट इट इज अ वेरी हाई प्रोफाइल बिजनेस अंटिल एंड अनलेस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वर्क ऑन इट सीरियसली। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की एक ब्रीफ इन शॉर्ट एक एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा। भले आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या जो भी कोई किसी भी मतलब जो भी बिगिनर मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, तो उस बंदे को ये वीडियो देखने के बाद एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि जब हम किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को सुनते हैं, तो यहाँ पे आपका एक तो टाइम बचता है और आपकी एनर्जी बचती है। जैसे आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो आपको उसमें काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज तो वैसे ही बहुत टेक्निकल है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की मैं कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है और ये कैसे होता है? देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए हमारा कोई बिजनेस है। अब हम एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते हैं, हमारा कोई घड़ी बनाने का बिजनेस है। ठीक है दोस्तों, अब घड़ी बनाने का जैसे कि हमारा बिजनेस है, अब हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा ये बिजनेस एक्सपेंड हो, हम इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। अभी हमारी कोई छोटी सी दुकान है, दुकान से हमने या फिर फैक्ट्री बनाई है, अब हमें अगर इसको एक्सपेंड करना है तो हमें फैक्ट्री को एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में लगानी पड़ेगी, फिर ब्रांचेस बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से हमें पूरे अपने देश में, फिर दुनिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा। तो इसके लिए क्या लगता है? देखिए, बिजनेस को बढ़ाना है, इनडायरेक्टली जो लगेगा उसमें सबसे पहली चीज है पैसा, क्योंकि पैसा लगेगा तभी सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब भी लेबर कॉस्ट आएगी और तभी सारी चीजें होंगी। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें पता है कि पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, हमारे पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास। देखिए, तीन ऑप्शन कैसे होते हैं, मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए सर, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है किसी भी इंसान के पास, उसके फ्रेंड्स और फैमिली, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिलेशन वालों से पैसे उधार ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास बैंक लोन का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है यानी कि वहां पे आपको पैसे की जरूरत हजारों में नहीं, लाखों में, या फिर आप बड़े लेवल पर करेंगे तो करोड़ों में या फिर हजार करोड़ों में जरूरत पड़ेगी। तो ये नीड बेसिकली आपके फ्रेंड और फैमिली पूरी नहीं कर पाते। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है बैंक लोन का। अब बैंक लोन में क्या होता है, देखिए बैंक से आप जितना चाहें उतना मर्जी लोन ले सकते हैं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, दुनिया भर का लोन दे देगा बैंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे और पीएनएल के आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें आपको शो करना पड़ेगा कि हमने इतना इंटरेस्ट दिया, तो वहां पे क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का वो डगमगा जाएगा, यानी कि आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं होगा। और जब आप इतनी बड़ी अमाउंट में लोन लेंगे उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है ना, आपको क्योंकि बिजनेस में चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए कि एकदम फ्री पैसा हो जिसपे आपको कोई ब्याज बट्टा ना देना पड़े। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पर आती है तीसरा ऑप्शन, लिस्ट योर कंपनी इज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि देखिए आपको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको वो पैसा चाहिए कि जिस पे ना तो आपको ब्याज देना पड़े और आपकी जितनी नीड है लगभग आपको उतना पैसा मिल जाए। आप बदले में सिर्फ ये करना चाहते हैं कि अगर भविष्य में मुझको प्रॉफिट होता है तो मैं अपने प्रॉफिट की शेयरिंग कर सकता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ पैसा लगाया है। तो ये ऑप्शन आपको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाने के बाद आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा,
देखिए आपको अपनी कंपनी को, जैसे कि आप घड़िया बनाते हैं, आपको अपनी कंपनी जो भी आपका डोमेन नेम है उसको, जो भी वहां पे लीगल प्रोसेस होते हैं, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करना होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना पड़ेगा। वहां पे होगा क्या कि जैसे ही हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगी तो वहां पे हमें क्या है कि पब्लिक का पैसा मिल जाएगा, ओनर को कंपनी का पैसा, ओनर को पब्लिक का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए उसके लिए हम कैसे करेंगे, थोड़ा मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आपकी कंपनी भारत में है तो भारत में दो बड़े और फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सबसे पुराना और सबसे पहला भारत का एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद 92 में NSE आया था, जब सारी की सारी चीजें एकदम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई थी। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, भारत की जो 50 बड़ी कंपनी अपने फंडामेंटल के आधार पर होती है वो निफ्टी 50 के अंतर्गत आती है, और अपने फंडामेंटल के आधार पे जो भारत की बड़ी 30 कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स 30 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी अपनी कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं, जैसे ही आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवा देंगे स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो इस तरीके से डेमो के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने NSE की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी 50 की ये जो कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, बजाज ऑटो, ये दुनिया भर की जो भी कंपनी है उनके देखिए रेट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी अप एंड डाउन है वो लाइव चल रहे होते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जब आप कंपनी में अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है। अब उसका प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको ये चीजें बता दी, ठीक है ना, आपको मोटा मोटी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें अपना बिजनेस, जो घड़ियों का बिजनेस है, वो हमें एक्सपेंड करना है, उसके लिए हमको चाहिए पैसा, ठीक है सर। पैसा लेने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन में से सबसे पहला या तो हम फ्रेंड से पैसा लें, अपने रिलेटिव से लें, लेकिन बड़े अमाउंट में पैसा लेना है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। दूसरा ऑप्शन है बैंक लोन, बैंक से हम लोन ले सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाइए, और वहां से क्या है कि पब्लिक आपको पैसा देगी, यानी कि आपकी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, अपना पैसा लगाएगी। वहां पे होगा क्या कि जब भविष्य में आपको कोई भी फायदा होगा कंपनी को, तो अपने प्रॉफिट को शेयर कर सकती है, ठीक है ना, जनता के साथ। तो अब देखिए आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में आपको चीजें और भी ज्यादा इंप्रूव होंगी। ये देखिए अब यहाँ पे आपको क्या है कि जब आप मार्केट में काम करेंगे तो आपने शायद, जो बिगिनर है उन्होंने ये टर्म ना सुनी हो, और जो मार्केट में कुछ समय से है उन्होंने टर्म सुनी होगी, प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। देखिए जब हम अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाते हैं तो वो IPO के माध्यम से करवाते हैं, यानी कि हमें अपनी कंपनी का IPO निकलवाना होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं उसमें, यानी कि और उस प्रोसेस को, यानी कि हमने जनता को क्या है कि ऑफर किया है कि आइए हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, और हम मतलब कितने भी, जैसे कि सपोज कीजिए हमारी कंपनी की वैल्यू है, एक मिनट, ये देखिए सपोज कीजिए हमारी जो कंपनी की आज की डेट में वैल्यू है वो हमारी है, कंपनी की जो वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है ना, यानी कि फिलहाल जो मार्केट में हमारी कंपनी की वैल्यू है, स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करवाने से पहले वो 1 लाख रुपए की हमारी वैल्यू है। इस 1 लाख रुपए की वैल्यू को हम 1,000 टुकड़ों में अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है सर, अगर हम इसको 1,000 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो एक शेयर की वैल्यू निकल के आती है 100 रुपए, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मार्केट में हम अपनी कंपनी के 1,000 शेयर निर्गमित कर रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट में निकाल रहे हैं, और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, यानी कि हम IPO के माध्यम से जनता को बोल रहे हैं कि आइए आप हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। जो लोग IPO में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि कंपनी के 1,000 शेयर मार्केट में है, इनमें से डिवाइडेशन होता है, वो टेक्निकल टर्म होती है कि कुछ HNI के लिए होता है, कुछ कंपनी के ओनर के लिए होता है, और कुछ जनता के लिए होता है, आम जनता के लिए, कि जिसमें IPO में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी अमाउंट अराउंड 14 से 15 हजार के बीच में रखी जाती है, इसी प्रकार से आपका लॉट साइज बनाया जाता है।
वहां पे आप क्या है कि कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और कंपनी को अपना पैसा दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा और जनता के पास क्या है कि कंपनी की ओनरशिप चली जाएगी। जैसे कि एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, ठीक है ना, और 1000 शेयर हैं, तो जितने भी शेयर जनता लेगी तो उतने ही शेयर की जो भी वैल्यू होगी तो वो ओनरशिप जनता के पास चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब कंपनी को जो ओनर है उन्हें ना ही तो ब्याज देना है, ठीक है, और ना ही मतलब उस पे उनकी लायबिलिटी बनती कि भाई अब हमको इनको टाइम टू टाइम पैसा देना है, ठीक है ना। उसका क्या प्रोसेस होता है, डिविडेंड देती है कंपनी, वो देती है पर एनम पे, ठीक है ना, एक साल में जब उसको प्रॉफिट होता है, या फिर क्वार्टरली भी देती है कोई कोई कंपनी जब उसको प्रॉफिट होता है, अपने शेयर होल्डर को डिवाइड कर सकती है। तो इस प्रोसेस को यानी कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई आईपीओ के माध्यम से, हमने आईपीओ में पैसा लगाया यानी कि शेयर खरीदे, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है सर। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट आता है। सेकेंडरी मार्केट क्या बोलते हैं, जैसे कि आप लोग ट्रेडिंग करते हैं कि कोई शेयर ऊपर गया कोई शेयर नीचे गया, देखिए सेकेंडरी मार्केट में होती है ट्रेडिंग, यानी कि आप किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है ना, इंट्राडे के लिए, पोजीशन के लिए, या फिर इन्वेस्टिंग पर्पस से। अब देखिए आईपीओ में जो पैसा लोग लगाते हैं वो दो तरीके से लगाते हैं, यानी कि आपने एक बार आईपीओ में पैसा लगा दिया तो उसके बाद आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यानी कि सपोज कीजिए आपका किसी कंपनी के आईपीओ में अपना पैसा लगाना है, ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए आज 5 तारीख है और उस कंपनी का आईपीओ जो है कि ओपन होने वाला है, 5 तारीख को ओपन हो गया और 5 से 7 तारीख तक के यानी कि 2 दिन तक आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं, और 10 तारीख को उस कंपनी की लिस्टिंग है यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। तो कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आईपीओ में अपना पैसा लगाते हैं और जिस दिन कंपनी आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है उस दिन कंपनी के शेयर में मूवमेंट काफी हाई रहता है, या तो अपसाइड में या डाउनसाइड में, ठीक है ना, मोमेंटम काफी तेज रहता है। तो कुछ लोग उसी के उसी दिन अपना प्रॉफिट बुक करके कंपनी से अपना पैसा निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, मतलब 50% का रिटर्न भी मिल जाता है, काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं कि 100% से ज्यादा का भी रिटर्न निकल जाता है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में आपका यही रहता है कि कंपनी में आपका जो कंपनी है घड़ियों की कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई, और यहाँ पे आप जब चाहें जो ट्रेडर्स लोग होते हैं वो आपकी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है सर। उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखिए उसके बाद सर बात आती है, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में, मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि स्टॉक मार्केट क्यों शुरू होता है, ठीक है ना, हम क्यों पैसा लगाए और कैसे मतलब इसकी बिगनिंग होती है। उसके बाद हमने बताया कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए दो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, जो प्राइमरी लेवल पे एक प्राइमरी मार्केट होती है एक सेकेंडरी मार्केट, आपको उसका भी डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, बेसिकली आप ट्रेडिंग करें इन्वेस्टिंग करें तो जो ट्रेडर होता है उसको इन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखना, ठीक है ना, लॉजिक यानी कि साइकोलॉजी का बड़ा महत्व होता है स्टॉक मार्केट में, और आपकी कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन क्या करनी होती है। देखिए सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कैलकुलेशन वर्ड को देख के मेरे माइंड में फिर से आ गई ये बात। देखिए स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री हो, या फिर आपको कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब आपने स्टडी की हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट की बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने सपोज कीजिए अगर आप बाय कर रहे हैं, ठीक है ना, आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं, अब शेयर क्या है कि या तो अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है, या फिर एक फ्लैट चलता है वो, यानी कि ट्रेंड ना ही तो अप होता है ना ही डाउन होता है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन क्या होती है कि अगर आपने नीचे खरीदा तो आपको ऊपर बेचना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट। और यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी और मिलती है, आप सेल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई शेयर गिर रहा है तो आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे उसको बाय किया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, यानी कि कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट होते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो होता है, और दुनिया भर के रेशो होते हैं जिनको देख के कंपनी के फ्यूचर का जो प्राइस होता है उसे फोरकास्ट किया जाता है, तो वो हम अपनी आने वाली सीरीज में देखेंगे। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी लैंग्वेज है, ये एकदम टेक्निकल लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स को देखकर प्राइस को फोरकास्ट करना होता है फ्यूचर के लिए कि भविष्य में ये प्राइस किधर जा सकता है, ठीक है ना।
काफी सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं और टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसको यूज करके और उसको सीखने के बाद आप इजीली प्राइस को फोरकास्ट करना सीख सकते हैं। उसके बाद देखिए लॉजिक होता है, लॉजिक यानी कि साइकोलॉजी, यानी कि देखिए स्टॉक मार्केट में काफी सारे लोगों ने मतलब मिथ्या बनाई हुई है, हवा बनाया हुआ है कि स्टॉक मार्केट में ये सॉफ्टवेयर ले लो तो आप सक्सेस हो जाओगे, 100% गारंटी हो जाएगी, या कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो सट्टे बाजार है, यहाँ पर काम नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी काम कर लें, जब तक आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट को कौन चला रहा है, हम और आप लोग ही तो, यानी कि कोई बंदा बाय करता है तो कोई सेल करता है, कोई सेल करता है तो कोई बाय करता है, यहाँ पे आमने सामने कोई नहीं होता, सब पर्दे के पीछे हैं, लेकिन सब डेटा ओपन रहता है, यानी कि डेटा को जिसे रीड करना आ गया, ठीक है ना, वो बंदा कामयाब है। तो यही बात होती है लॉजिक की, यानी कि साइकोलॉजी को यूज करो, ठीक है ना। साइकोलॉजी की भी एक अलग क्लास होती है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये मैंने आज आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी स्टॉक मार्केट के बारे में, ना आपको ज्यादा टेक्निकल चीजें बताते हुए, ना ही ज्यादा वीडियो को लॉन्ग करते हुए, ये मेरा छोटा सा वीडियो है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने हुए हैं तो आपको स्टॉक मार्केट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से जरूर सीखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे एलिस ब्लू का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए वहां पर आपको अकाउंट ओपन करने से क्या फायदा होगा, देखिए वो मेरा रेफरल लिंक है, यानी कि मैंने रेफर किया हुआ है उस लिंक को। अगर आप उस लिंक से अपना अकाउंट खोलते हैं तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा। वहां पे क्या है कि मैं आपको देखिए कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको इक्विटी, कमोडिटी और फ्यूचर ऑप्शन की कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और वहां पे आपको मैं ट्रेडिंग के बिहाइंड यानी कि उसके पीछे का लॉजिक शेयर करता हूँ कि ये मैंने आपको ये लेवल क्यों दिया, ठीक है ना। आप मेरे टेलीग्राम को चेक कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आप हमारे एनालिसिस को, काफी अच्छे लेवल पे हम एनालिसिस करके देते हैं आपको, और वहां पे लोग उन लेवल पे काम करके डेली प्रॉफिट्स भी कमाते हैं। तो इसके अलावा आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी तरह की वीडियो के लिए आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।